से यहाँ पर अभी हम लोग ये देखते हैं। अबे आवाज कहाँ से आई? अबे टेडी बियर यहाँ कहाँ से आया भाई? अबे कहाँ से आया? सो गाइस, आज बहुत बड़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने जब चार्ली वाली वीडियो को ओपन किया तो वहां पे मैं देखा कि हर एक वीडियो के नीचे वहां पे बस लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई एक वीडियो तो चाहिए वन मैन हाइड एंड सीक पे। लोग जितने मैं कमेंट देख रहा हूँ वन मैन हाइड एंड सीक, वन मैन हाइड एंड सीक, वन मैन हाइड एंड सीक, तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल जाना एंड आज हम लोग करने जाने वाले हैं वन मैन हाइड एंड सीक चैलेंज। अब वन मैन हाइड एंड सीक चैलेंज देखो, आज तक मैंने जितने भी चैलेंज किए मेरे को लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा जो स्कैरी है वो आपका वन मैन हाइड एंड सीक चैलेंज है। अब वन मैन हाइड एंड सीक चैलेंज में होता क्या है कि आपको ऐसा एक डॉल लेना है और टेडी बियर ले सकते हो आप। इसमें आपको करना क्या होता है कि पहले आपको इसको एक्चुअली में इसमें है क्या चैलेंज में कि आप इस डॉल के साथ जो है वो आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो, आप यहाँ पर इसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये चैलेंज आपको जितना आसान लग रहा है उतने उससे ज्यादा ये स्केरी है। अब इसमें आपको स्टार्टिंग में करना क्या होता है, इसको आपको यहाँ से आपको इसको फाड़ देना है और यहाँ से इसको फाड़ने के बाद आपको इसमें करना क्या है कि आपको इसके अंदर का जो कॉटन है उस कॉटन को निकाल के आपको इसके अंदर ये हमने यहाँ पर चावल लिया हुआ है, ठीक है। इस चावल को आपको इसके अंदर डाल देना है और चावल को डालने के बाद यहाँ पर जो एक चीज है वो पता है क्या है कि आपको इसके अंदर अपना डीएनए भी डालना होगा। अब डीएनए के रूप में आप लोग तीन चीज डाल सकते हो, वो आपका हेयर है या फिर आप नाखून डाल सकते हो या फिर आप इसके अंदर स्प्लिट कर सकते हो, और मैं समझता हूँ कि स्प्लिट करना वो सबसे आसान काम रहेगा, सबसे बेटर रहेगा। तो यहाँ पर इसको आपको काटने के बाद इसमें चावल डाल देना है और फिर आपको इसके अंदर स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने का मतलब ये है कि यार आप ज्यादातर भूत को अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी तरफ आने के लिए और इसमें ज्यादातर चांसेस हैं कि स्प्लिट करने के बाद आपका इसमें भूत है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। अब स्प्लिट करने के बाद आपको इसको आपका जो ये रेड थ्रेड है इस रेड थ्रेड से आपको इसको एकदम बढ़िया से सील देना है और सीलने के बाद आपको गाइस आपको इसको एक जो बाल्टी होती है उस बाल्टी के अंदर पानी थोड़ा हल्का पानी भर के आपको इसको इसके अंदर डुबाना है और डुबाने के बाद आगे आप लोग देखते जाओ कि इसका क्या प्रोसीजर है। उसके बाद हम लोग इसके साथ छुपन छुपाई खेलने वाले हैं और जितना आसान आपको ये लग रहा है उससे कई ज्यादा आपके लिए हार्ड होने वाला है। तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा आगे तक देखते रहो और एक बार मैं छुपूंगा और एक बार मैं इस डॉल को छुपने का मौका दूंगा। अब देखते हैं कि कौन किसको ढूंढ पाता है और ये चैलेंज सबसे ज्यादा स्कैरी एंड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग आगे देखते रहो। तो लेट्स बिगिन द चैलेंज। तो गाइस यहाँ पर अब हम करने वाले हैं, इसको पहले हम पीछे से फाड़ेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसको मैं यहाँ पर पीछे से हल्का सा फाड़ता हूँ चाकू से। यहाँ पर मैंने इसको फाड़ दिया है। अब हम लोग पता क्या करेंगे, इसके अंदर की रुई है वो रुई को यहाँ पर निकाल लेंगे हल्का हल्का, जैसा कि मैं यहाँ पर इसको रुई को यहाँ पर निकाल लेता हूँ एंड रुई को निकाल के हम लोग थोड़ा साइड में कर देंगे। और उसके बाद अब हमको पता क्या करना है गाइस, अब हमको ये जो है इसके अंदर हमको ये चावल है, ये चावल इसको पकड़ दो, इसको पकड़, नहीं वैसे नहीं पकड़, इसको यहाँ पर चावल जो है वो चावल इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये देख लो आप लोग चावल जो है वो डाल दिया है। अब इसके अंदर डीएनए के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें स्प्लिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है, मैंने डीएनए भी डाल दिया। तो गाइस यहाँ पर चावल और डीएनए भी डालने के बाद अब मैंने आपको बताया कि आपको इसको रेड थ्रेड से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये आपको इसको रेड थ्रेड से इसको सील देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रेड थ्रेड से यहाँ पर सील देते हैं हम लोग फटाफट से। उसके बाद हम लोग को जो है इसको वहां पर पानी में डालना है और पानी में डालने के बाद हमको इसको कोई नाम देना पड़ेगा और वो नाम हम लोग यहाँ पर फटाफट से दे देते हैं। तो गाइस ये हमारी यहाँ पर जो है वो सिलाई डन हो चुकी है, तो इसको मैं वापस से यहाँ पर एक बार बांध देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर वापस से ये बांध दिया, तो इसको यहाँ पर अब मैं पकड़। तो गाइस अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर इसमें पानी चालू करेंगे। तो गाइस इतना पानी बहुत है, इतने पानी को इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके इसको
तो उनको इसके पानी के अंदर डुबा देना है। तो यहाँ पर मैंने इस डॉल को जो है वो पूरा यहाँ पर पानी के अंदर जो है वो डुबा दिया है। गाइस अब आपको पता क्या करना है, अब आपको इसको कोई नाम देना है डॉल को। तो मैं यहाँ पर डॉल को नाम देता हूँ, पार्टी रख देते हैं हम लोग। तो हमको इसको 3 बार इसका नाम लेना है। तो इसमें आपको चाकू की जरूरत भी पड़ेगी, तो इसको चाकू को हम लोग इसके अंदर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो बारबी इज इट, बारबी इज इट, बारबी इज इट। गाइस अब आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है। तो गाइस अब पता है मेरे को क्या करना है। अब मेरे को यहाँ पर मेरे जितने भी कमरे की लाइट है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका यहाँ पर एक बार। इसको आप लोग देख सकते हो, ये आपका मैंने यहाँ पर कर दिया है। एंड अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को अब अपने जितने भी घर की जितनी भी लाइट है वो सभी लाइट को बंद कर देना है। एंड लाइट को बंद करने के बाद हम लोगों को 10 तक गिनना है, और 10 तक गिनने के बाद हमको अपने रूम में कहीं पर भी छुप जाना है। और छुपने के बाद गाइज हम इसको मौका देंगे कि ये हमको ढूंढना है, और फिर हम लोग अपने घर में ढूंढेंगे कि ये हमको कहीं पर ढूंढने आया है कि नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं मेरे घर की जितनी भी लाइट्स हैं वो सभी लाइट्स को मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर अभी मैं जितने भी लाइट हैं वो सब बंद करने वाला, तो उस वाली लाइट को बंद कर दे पहले। तो पीछे के रूम की लाइट मैंने बंद कर दी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पर हमारे उस बाल्टी में हमारा डॉल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हमारे यहाँ पर किचन की लाइट तो हमारी बंदी है, अब हम लोग हमारे यहाँ पर आगे की लाइट जो है वो आगे की लाइट को यहाँ पर बंद कर देते हैं। हाँ बंद कर दे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना स्कैरी ये लुक बन चुका है। और ये वाला जो चैलेंज स्कैरी पता है किस लिए है, ये वाला चैलेंज सबसे ज़्यादा स्कैरी इसलिए गाइस क्योंकि इस वाले चैलेंज में आप लोग अपने घर की सारी लाइट बंद कर देते हो, और ऊपर से यहाँ पर जो ये छुपन छुपाई का गेम होता है ना यार, उसमें देख सकते हो आप अभी भी हल्की हल्की आवाज आ रही है नहीं, कुछ ऐसे हल्की हल्की जैसे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो वो चीज अब हम लोग गाइस पता है अभी मेरे को हल्की सी आवाज आई, तो अब हम लोग पता है क्या करने वाले हैं गाइस। हाँ कुछ नहीं हुआ छोड़ना। तो गाइस अब हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर 10 तक गिनेंगे, और 10 तक गिनने के बाद हम लोग उस डॉल को मौका देंगे कि वो कहीं पर हमको चल के आए हमको ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग हमारे हाइडिंग स्पॉट पे चले जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर छुप जाते हैं। मेरे घर का कोना है तो यहाँ पर मैं इसके साथ छुप चुका हूँ यहाँ पर। एंड अब हम लोग यहाँ पर 10 तक गिनने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर पता नहीं रितेश को यहाँ पर कोई आवाज आई यहाँ पर चेयर की, चेयर की आवाज आई थी भाई, एक बार कैमरा उधर देख ले क्या पे, यहाँ पर से चेयर पे से आवाज आई, ये चेयर वापस से मेरे पैर से लड़ी, तो इस पैर से कोई आवाज आई थी। तो यहाँ पर मैंने 6 तक गिना था, एंड यहाँ पर हाइडिंग स्पॉट पे आ जा, 6 तक हम लोगों ने गिना था। अब यहाँ पर हम लोग आगे का हमारा कंटिन्यू करते हैं, तो 7 8 9 10। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 10 तक गिन लिया है, एंड यहाँ पर 10 तक गिनने के बाद हम लोगों ने जो हमारा बारबी है उस बारबी को हमने टाइम दे दिया है कि वो अब हमको ढूंढने आए। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हल्की हल्की मूवमेंट कर रही है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कहीं पर डॉल मूव ना किया हो। अब हम लोग हमारे पूरे घर में चेक करेंगे कि कहीं वो डॉल हल्का सा भी तो मूव नहीं हुआ है। अगर वो हल्का सा भी मूव हुआ होगा तो इसका मतलब कि गाइस वो चल रहा है एंड वो हमको ढूंढने के लिए आ रहा है। तो अभी मैं घर की हर एक चीज जो है वो यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं मेरे घर की हर एक चीज यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर चेक करता जा रहा हूँ। यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूम जो है वो फर्स्ट रूम देख, तो भाई यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या डॉल? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूम में हम लोग यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पर सोफे पे भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर तो हम लोग को अभी नहीं दिखा, अरे वो तकिया है यार। तो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई, किचन में चेक कर, किचन में कहीं मूव ना किया हो। तो गाइस यहाँ पर किचन
को पता है क्या करना होता है, अब मैं यहाँ पर मेरे को अपने नाम से इसको यहाँ पर तीन बार जो है वो चाकू मारना पड़ता है। एंड गाइस ये चीज मैं बता रहा हूँ बहुत स्कैरी होने वाली है, ये चीज बहुत ज्यादा स्कैरी होने वाली है। तो अब मेरे को पता है क्या करना है, अब मेरे को इसको लेके इसको अपने हाथ से 3 बार चाकू मारना है एंड अपने नाम से बोलना है 3 बार चाकू मार के। तो करते हैं कौशल इज इट, कौशल इज इट, कौशल इज इट। तो गाइस चाकू मारने का मतलब ये होता है कि आप लोग इसको एक्टिव कर रहे हो। तो यहाँ पर देख सकते हो यार कितनी सारी मैं सीप चल रहा हूँ, मेरे घर में से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं मेरे को। तो गाइस हम लोगों ने उसको मौका दिया पर वो हमको नहीं ढूंढ पाया, अब हम उसको मौका देंगे कि वो जाके छुपे एंड हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वापस से हम लोग जा रहे हैं हमारे हाइडिंग प्लेस पे, आ जा। तो यहाँ पर हम लोग वापस से हमारे हाइडिंग प्लेस पे जा रहे हैं एंड हाइडिंग प्लेस पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर आ जा अंदर, यहाँ पर ये सब मेरे रूम का चालू है। तो यहाँ पर वापस से मैं मेरे हाइडिंग प्लेस पे आ गया हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद गाइस हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, वापस से हम लोग 10 तक गिनेंगे और 10 तक गिनने के बाद हम लोग उसको मौका देंगे कि वो जाके छुप जाए। तो यहाँ पर हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 10 तक गिन लिया है एंड अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि वो कहीं पर जो है हमारा वो डॉल छुप जाए एंड उसके बाद हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा स्कैरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग दूसरी बार उसको मौका देते हो छुपने के लिए तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो उस समय वो डॉल जो है वो मूव करने लगता है जब आप लोग उसको छुपने का मौका देते हो। एंड अगर ये टास्क अगर वो ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप लोगों को वहाँ पर उसमें सॉल्ट पानी नमक पानी में जो है वो नमक डाल के आपको इस चैलेंज को उस पर डाल के पूरा कर देना है। तो यहाँ पर गाइस अब हम लोग घर चलते हैं और हमारे हर एक घर का जो मूवमेंट है उसको हम लोग देखते हैं हर एक चीज़ को कि वो कहीं पर छुपा है कि नहीं, पर देखो कुछ भी देखने मिले तो बताना। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ढूंढना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये क्या है, ये तो हमारा तकिया है, आगे यहाँ पर हम लोग हमारा हर जगह यहाँ पर देख लेते हैं, तेरे को कुछ भी देखने मिले तो बता। एंड छकाई से चैलेंज इतना ज़्यादा स्केरी होता जा रहा है, मैं क्या बताऊँ कि आप यार यहाँ पर डॉल के साथ हाइड एंड सीख खेल रहे हो। तो अगली बार यहाँ से आवाज़ आई थी तो यहाँ पर देख ले, आवाज़ आई थी भाई ये देख ले। तो यहाँ पर हमने देख लिया है, वैसा तो कुछ देखने नहीं मिला है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर सब यहाँ पर रखा हुआ है। तो गाइस अब हम लोग चेक करने वाले हैं और यार यहाँ पर ये फ्लेम बुझती जा रही है भाई, फ्लेम यहाँ पर ख़त्म होती जा रही है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग किचन में हमारे चेक कर लेते हैं, किचन में यहाँ पर हमारे हर जगह हम लोग चेक कर रहे हैं। ये तो हमारा दूसरा वाला बाथरूम है। तो गाइस आ भाई यार गाइस कहीं से आवाज आया, गिरा कैसे भाई, ये ग्लास कहाँ पड़ा था, वो यहाँ पड़ा हुआ था ना टेबल, टेबल पे थी, टेबल पे थी गाइस, एक ग्लास। हाँ नहीं 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 भाई नहीं गाइस, ये ग्लास अपने आप यहाँ से गिरा, ये यहाँ पे रखा हुआ था एंड गाइस ये ग्लास अपने आप गिरा, पैर पे टच किया मेरे भाई। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा स्कैरी होता जा रहा है मेरे लिए एंड अब हम लोग जा रहे हैं, एक काम करते हैं अभी अपने चलते हैं वहाँ पे पीछे वो बाथरूम में देखने की वहाँ पे कुछ हुआ है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर वॉल मेरी फ्लेम भी बुझने आ रही है देखें। तो गाइस यहाँ पर ये वाला जो हमारा डॉल है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है एंड गाइस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉल थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो गाइस ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होता जा रहा है एंड अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह वो जो ग्लास है वो गिरा। तो अब हम लोग क्या पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग इस चैलेंज को एंड करने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग अभी इस चैलेंज को एंड करने के लिए हमको यहाँ पर नमक और पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर फटाफट से जो है वो यहाँ पर हम इस पानी को भर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फटाफट से इस पानी को भर लेता हूँ यार, बहुत ही स्कैरी था भाई। गाइस मेरे को पता नहीं कि वो क्या बोलते हैं ग्लास कैसे अपने आप गिर गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। यहाँ पर नमक ये गया मेरे, गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो इसको लेते चल। तो गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो जो है वो अपने आप गिरा कैसे है। वो यहाँ पर नमक अभी हम लोग यहाँ पर डालते हैं, इसके अंदर डाल दें, चम्मच से डाल दें, 3 चम्मच डाल दें, 3 चम्मच
तो बस अब इसको पानी को ले ले और थोड़ा इसको ऐसे घोल दे घोल दे घोल दे, ज्यादा वो बैठ ज्यादा वो रहेगा। बस 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 बहुत है बहुत है बहुत है, जल्दी कर जल्दी कर। तो गाइस इसको अब हम लोग पानी को लेते हैं एंड अब एक काम करते हैं, इस पानी को लेके चलते हैं हम लोग, लेके चल। और पता है इसको पानी को करना क्या है, इस पानी को वहाँ पर तीन बार कैसे डालना है, तीन बार, ठीक है, तीन बार डाल के पता है क्या बोलना है, तीन बार डाल के ये बोलना है, बार बार रिपीट करना है, आई विन आई विन आई विन। रुक जा, यहाँ पर तीन बार डालना है एंड उस पर डाल के बोल आई विन आई विन आई विन आई विन आई विन आई विन। वापस डालते रहे आई विन आई विन आई विन आई विन आई विन आई विन। तो गाइस मैंने फटाफट उस चैलेंज को एंड कर दिया, नमक पानी डाल के मैंने उसके ऊपर तीन बार पानी डाला और आई विन कर दिया। तो गाइस इसमें ऐसा ही होता है कि अगर आपके साथ कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपको उसके अंदर नमक डाल के आपको पानी को उसके ऊपर डाल देना है और बार बार आपको रिपीट करना है आई विन आई विन आई विन। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ कि जितने भी चैलेंज आज तक मैंने परफॉर्म किए वो सबसे ज़्यादा स्कैरी ये वाला चैलेंज था। मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी ज़्यादा मैंने वो ग्लास अपने आप, मेरे को पता ही नहीं कैसे गिर गया यार, वो ग्लास अपने आप गिरा। उसके बाद जो जो एक्टिविटी मेरे साथ हुई, मेरे को ऐसा मन हुआ कि मैं डायरेक्टली उसको बंद करूं एंड चैलेंज को ख़त्म करूं। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको घर पर ट्राई करो। एंड गाइस दोनों मेरी जो ये फ्लेम है दोनों बुझने आ गई है। तो गाइस इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने इतनी सारी रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने इतनी सारी रिक्वेस्ट इस वीडियो के लिए क्यों की थी, वन मैन हाइड एंड सीक के लिए। तो गाइस ये सब जो भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट टू करूँ, मैं वापस से इस चीज़ को करूँ, वापस से अगर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो गाइस आप लोग मेरे को कमेंट में लिख सकते हो कि पार्ट टू। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई चैलेंज परफॉर्म करूं तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड गाइस अभी आप लोग मेरी हालत देख ही सकते हो कि क्या हो रहा है मेरी हालत। तो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने ये सब आप लोग के लिए किया। एंड अगर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो तो आप लोग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा। गाइज मेरे को पता नहीं होने वाला है कि इस चैलेंज के बाद मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो अब मिलता हूँ आपको किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक कमाल के चैलेंज के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू कौशल सिंह। भाई किस तरह मूव किया बे? पता नहीं भाई, पहले तो देख ग्लास गिरा बरोबर, फिर यार मैंने जैसे ही मैं ग्लास पे फोकस कर रहा था और फ्लैश मार रहा था, मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये जो चैलेंज था ना कुछ टच कर, ये वाला चैलेंज था, आपने कितने सारे चैलेंज किए, पर ये वाला चैलेंज भाई सबसे ज्यादा स्कैरी था, काफी स्कैरी था पहले वाला चैलेंज। अपने वहां पे भी गए थे शूट।